नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार वासियों को पर्यटन के लिहाज से अब एक और बड़ी उपलब्धि हाथ लगने वाली है, जिसके तहत बिहार के बांका जिले के ओढ़नी को जलाशय बिहार का नंबर वन पर्यटन स्थल बनाने की कवायद तेज है। पिछले महीने जलाशय में नौका विहार शुरू होने के बाद डैम में वाटर स्कूटी भी अब देखने को मिलने वाली है। इसको लेकर करीब 22 लाख रुपए की लागत से स्कूटी खरीद कर डैम पर लाया जा चुका है और इसे आम लोगों के लिए भी शुरू कर दिया गया है, जो कि आम नागरिकों के लिए 500 रुपए के टिकट के साथ आएगी। हालांकि स्थल पर उन छात्रों को घूमने में छूट मिलेगी जिनके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। उन्हें केवल स्थल का भ्रमण करने के लिए 250 रुपए ही चुकाने होंगे। वहीं अगर हम बिहार के इस ओढ़नी जलाशय की बात करें तो यहां पर डैम के बीच में बने आइलैंड में सिंचाई विभाग 4 करोड़ की राशि में IB का निर्माण करवाएगा। वहीं डैम के किनारे में आइलैंड तक जाने के लिए एक नाव की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। डैम के किनारे पर भवन निर्माण विभाग भी 3.5 करोड़ का अपना IB बनवाएगा, जिसका अवलोकन CM नीतीश के हाथ होगा, जिसके बाद अब इसी आइलैंड पर पर्यटकों को भोजन और नाश्ते का इंतजाम मिलेगा, ताकि पर्यटकों और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो हैं इस जगह पर आकर्षित हो जाए। बांका शहर के समीप होने के कारण इस पर पर्यटन की खूब संभावनाएं हैं, जिसके कारण कम से कम शहर में रहने वाले लोगों को भी इधर ही रुख करना होगा। अगर वो इधर आते हैं तो डैम में आमदनी का बढ़िया जरिया बन जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके साथ ही डैम के किनारे घूमने आए पर्यटकों के लिए 350 करोड़ से डैम किनारे गेस्ट हाउस का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही बांका DM सुहर्ष भगत ने बताया कि ओढ़नी जलाशय की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब भाने वाली है। इसे नंबर वन पर्यटक स्थल बनाने का काम पिछले साल से चल रहा है। शनिवार से डैम पर वाटर स्कूटी चलने लगा है। मुख्यमंत्री के आगमन के बाद ओढ़नी को राज्य स्तर पर पहचान मिलेगी, दूर दूर से पर्यटक आएंगे। फिलहाल 2 दर्जन लोगों को यहाँ रोजगार मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। यही कारण है कि सरकार समय समय पर बिहार में मौजूदा पर्यटन स्थलों को पर्यटन के लिहाज से सुदृढ़ करने का काम कर रही है। साथ ही पर्यटन को ध्यान में रखते हुए बिहार में सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। इतना ही नहीं, पर्यटकों के लिए यात्रा की सेवाओं को भी सुगम बनाने का काम किया गया है। वहीं अब आम नागरिक भी इस जलाशय को पर्यटकों के लिए खोलने से खुश है, जिससे बांका वासियों को मनोरंजन का एक और स्थान तो मिल ही गया, साथ ही बिहार आने वाले पर्यटकों को भी घूमने के लिए एक पर्याप्त जगह और मिल जाएगी, जिसके बाद अब अगर आप भी कहीं घूमने का मन बना रहे हैं और बांका जिले की तरफ कूच करते हैं तो इस जगह पर घूमने जरूर जाएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।